थाना क्षेत्र के मंगलपुरा में गुरुवार की रात शंभुनाथ के घर में बालकेश नाम के व्यक्ति ने घुसकर चोरी करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि शंभुनाथ पुत्र मिठाई लाल निवासी मंगलपुरा कुलहोना ने आरोप लगाया कि बालकेश नाम का व्यक्ति मेरे घर में घुसा था। जब पकड़ने का प्रयास किया तो वह 2 मंजिला छत से कूद गया, जिससे गंभीर चोटें आईं, जिस पर शंभुनाथ ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाकर आरोपी को मेडिकल भिजवाया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर आरोपी ने बताया कि वह बस से गिरकर चोटिल हुआ, जबकि वादी शंभुनाथ का कहना है कि अभियुक्त घर में चोरी करने के लिए घुसा था, लेकिन जब हम लोगों को पता चला तो पकड़ने का प्रयास किया तब वह 2 मंजिला छत से कूद गया। मामला संदिग्ध मालूम पड़ता है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुआ है। युवक के द्वारा भागने के लिए 2 मंजिला भवन से छलांग लगाया गया, जिसमें युवक घायल हो गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। आगे तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, चोट लगी है। कैसे गिरे हो? बस से गिरा। ये लो तो कह रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? बालकेश। कहाँ के रहने वाले हो? औरैया। कहाँ पे? औरैया टोला। तो तुमको ये लो तो कह रहे हैं तुम चोर हो? नहीं सर, चोर नहीं है, चोरी में लगा दिया गया। अच्छा, वो तो सर चोरी में लगा दिया गया। तो ये चोर नहीं है तो ये लोग क्यों पकड़ के लाए तुम? कैसे आ गया हमारे घर? 3 किलोमीटर दूरी पर चला गया। हमारा घर कहाँ? तुम्हारा घर कहाँ? और यहाँ कैसे, क्या हुआ? क्या हुआ आप बताइए, अपना नाम बताइए। सर हमारा सर भोला नाथ सर। ये प्रकरण संज्ञान में आया है, लेकिन अभी किसी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर ये भी बताया गया छत पर से गिरा था, पैर में चोट लगी है। हाँ, उसका संभवतः इलाज चल रहा है, अभी किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर के बाद ही फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।